बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपनी रूटीन से, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बरीरा को मैंने बिल्कुल रेडी कर दिया है, ये रेडी हो गई हैं, इन्होंने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह सब कर लिया है। तो ये काफ़ी देर से उठी हुई थी मालिश वगैरह करने के बाद, अब जो है इनको आ रही है नींद। तो बरीरा, तो अब जो है वो मैं इनको सुलाऊंगी। तो और अदन भी स्कूल से आ गए हैं, अदन से मिलते हैं। अदन भी तैयार होकर आ गए हैं, ये देखें। आहा, वाह अदन, आप तो हीरो लग रहे हैं। अदन सलाम तो कीजिए। अदन स्कूल से आ गए हैं आप? जी आ गई हूं मैं। कैसा रहा आज आपका दिन स्कूल में? बहुत अच्छा रहा। अच्छा, तो पहली पूछे, मैं पहलियों का जवाब दूंगा। तो अभी हम नाश्ता बनाएं? नाश्ता बनाते हैं, उसके बाद बरीरा को सुलाते हैं, नाश्ता बनाते हैं, जब तक डैडा भी नहा के आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद पहलियों का गेम खेलेंगे। ठीक है, बिल्कुल हम इसके बाद खेलेंगे। ठीक है, चलें अब मिलते हैं हम आपसे नाश्ते पे। चाय खोल गई है? कबाब फ्राई कर रही हूँ। कबाब मेरे फेवरेट, मेरे भी फेवरेट। वेरी गुड। और अब मैं पराठे बना रही हूँ। चलो जल्दी जल्दी बनाओ, हम लोग वेट कर रहे हैं। आप लोग के घर में भी अगर इतने बड़े पराठे बनते हो जितने हमारे घर में बनते हैं, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके घर में इतने बड़े पराठे बनते हैं कि नहीं बनते। इतने बड़े बड़े पराठे हैं कि एक बंदे के पूरे मुंह में आ जाएंगे। पूरे मुंह में होते हैं, एक वाले में थोड़ी खाएगा कोई पूरा। अरे मतलब पूरे मुंह पे आ जाए, बंदा ओढ़ ले पराठे, ओढ़ ले। वो याद है आप जब एहतिकाफ में बैठे थे? हाँ। तो वो रोटियां मैं बना के दी थी हमने, तो बंदा यही बोल रहा था कि यार ये तुम्हारे घर की रोटियां इतनी बड़ी हैं, ये अदन को दूंगी। अच्छा, नहीं, इतनी मेहनत से मैंने ये रात में कबाब बनाए हैं, बैठ के बरीरा के तंग करने पे मैंने सारे कबाब बनाए। यार शुक्र है बरीरा सो रही है ना, मन्ना भी तंग करके रखते कौन संभाल लेते? उसके भाइयों से संभाल लेते। उनके भाइयों संभाल लेते। हाँ। भाइयों को देखो है कैसे। चलो तकराड़ा बन रहा है, चलते चलते चादर भिज गई है। क्यों अदन, क्यों ये क्या बने हुए? ये बन गए पराठे। और यहाँ पर पराठे रेडी हो गए हैं सारे हमारे, ये देखें पराठा बन गया है। और कबाब निकालती हूँ मैं। और यहाँ अदन की डांट पड़ चुकी है किसी बात पे, तो अदन ये देखे रो रहे हैं। नाश्ता बन गया है, चाय भी निकाल ली है मैंने, और मैंने अपने लिए अंडा फ्राई किया है। तो अब मिलते हैं आपसे नाश्ते के बाद। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं। अच्छा, क्या कर रहे हो? वो मैं आपसे एक बात बोल रही थी, टीवी बंद करें ना एक मिनट। क्यों बंद तो करें? क्यों कर दें? हाँ। वो मैं कह रही थी कि वो आज आप क्या करना है शाम में? क्या बोल रही हो, बोलो। मैं कह रही थी कि ऐसा कह रहे हैं आज आप खाना बनाए ना। एक दिन मिलता आराम करने, उसमें भी मैं खाना बनाऊं। हाँ तो क्या हो गया, चलो बना लूंगा तुम्हारी मोहब्बत। मैं भी तो रोजाना बनाती हूँ खाना। बना लूंगा बना लूंगा। क्या बनाएंगे? पागल बनाऊंगा आज। मेरे को अंडा आलू बनाए, अंडा आलू। क्या बनाएंगे बताए ना, क्या खाओगे बता दो, बना लो। कीमा कढ़ाई बना ले। हाँ। कीमा कढ़ाई? हाँ। चिकन कीमा बना लो बस, वही ना चिकन। वही मतलब चिकन का कीमा ना, कढ़ाई नहीं, चिकन की वो बनाएंगे, पक्का बनाएंगे, पक्का ना। हाँ, डन हुआ। तो मैं जब तक ये सारी तैयारी करूँ। हाँ, सारी चीज़ें रेडी करके दे दो, उसके बाद बनाऊंगा मैं।
चमचे चलाएंगे मतलब खाली। वाह ये मतलब सब कुछ काट दो, धनिया पुदीना अदरक लहसुन मेथी आलू प्याज टमाटर, मतलब मैं ये सब कुछ कर दूं, सब चीजें कर दूं, सिर्फ आप चमचा चलाएंगे। नमक भी डाल देना, मिर्ची भी डाल देना, सिर्फ खड़ोगे मैं मसाला चला दूंगा। ठीक है ओके मेरी बारी। चलें यहाँ मैंने देखिए कीमा वॉश कर दिया, प्याज भी अनियन कट, अनियन कट ऑमलेट कट मैंने काट लिए और टमाटर भी काट लिए, अदरक लहसुन का पेस्ट ये रहा। कढ़ाई मैंने धो दिए, सारे काम मैंने कर दिए हैं, अभी आ रहे हैं चमचा चलाने। हम सबसे पहले हम डालें कढ़ाई में, हम चढ़ा देंगे तेल, चढ़ा देंगे ना इनमें कढ़ाई। सबसे पहले हम डालेंगे प्याज, ये देख रहे हैं आप प्याज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक हमारे बरकत दे आपके खानों में, आपके रोजे रिस्क में खैर बरकत दे, औलाद में दे। किसी की मजाक, किसी की आवाज में मजाक नहीं उड़ाते हैं। तो मैं किसका मजाक उड़ा रहा हूँ? जैसे जिसके आप बोल रहे हैं जिसकी तरह। शेफ अब्दुल खालिक अच्छे तरीके से हम इसको पहले फ्राई कर लेंगे, लाइट पिंक होने तक इसको हम फ्राई करेंगे, इसको ऐसे हल्के के चलाएंगे ताकि ये अच्छे से लाइट पिंक सी फ्राई हो जाए। ओके ये दोनों बहन भाई दोनों बहुत शरारती हैं, ये दोनों ये देख रहे हैं, ये जो है ना आखिर ये गुड़िया, ये तो बहुत, और ये उसका भाई, ये दोनों ऐसे ही हैं। पिंक हल्की हल्की पिंक फ्राई हो गई है, अब हम डालेंगे इसमें कीमा। बिस्मिल्लाह चिकन का कीमा है ये, बिस्मिल्लाह। उसके बाद हम डालेंगे इसके बाद दो चमचे डालेंगे आपने, उसके बाद डालेंगे हम लोग नमक। नमक आपको हस्बैंड टेस्ट नहीं करिएगा, नमक थोड़ा कम ही रखिएगा आप, क्या क्यूब भी डालेंगे ना चिकन क्यूब? हाँ बिल्कुल, चिकन क्यूब तो लाजमी डालेगा, चिकन क्यूब के बगैर तुम्हें पसंद नहीं आएगा मेरा हाथ खाना, इतना लजीज बनाता हूँ मैं। अब क्या तेज आंच पे कीमे को फ्राई करेंगे? कीमे को अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे तेज आंच पे, ओके, ताकि इसकी जो भी हिसाब किताब अंदर ही सिमट जाए, सिस्टम ये हो जाए अंदर ही, कलर चेंज हो जाए। सीधे सीधे साफ अल्फाज में बताया करें ताकि कीमे का कलर चेंज होना शुरू हो जाए। ये अभी पिंक हो रहा है तो जब ये वाइट होगा तो मतलब इसका मतलब है हम इसके बाद मसाले इसमें ऐड कर सकते। बात मेरी भाई अब समझ गई है तो क्यों बोल रही हो? और ये देखें इन्होंने बरीरा को क्या करके रखा हुआ है अदन, अरे वो गिर जाएगी बेटा। और ये मेहमान आए हैं हमारे घर में, आइए बस 5 से 10 मिनट तक और फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद हम डालेंगे इसमें टमाटर। टमाटर ऐड करना है, ये चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है, पानी को हम समेट के रख लेंगे। टिंकी घर में पानी नहीं आता ना, वो पानी आ गया। एक कटे में टमाटर ये मैंने काटा खुद अपने हाथों से, जी नहीं मैंने काटे। अब ये करने के बाद इसको फिर ऐसे चलाना है, देख रहे हैं ये गरम मसाला ये डाल दिया है, वेरी गुड वेरी गुड। क्या हुआ? हाय हाय, ये खुशबू आ रही है ना अभी, ओ हो हो। हरी मिर्च, अभी डालेंगे चिकन क्यूब, इंशाल्लाह से बेहतरीन जायका हो जाएगा और वीआईपी बनेगा अल्लाह के हुक्म से। माशाल्लाह कलर इतना प्यारा, काश खुशबू भी आती ना आप लोग को मोबाइल में तो अच्छी तरह पता चलता। जो बात है समाज की है ना, बहुत ज़बरदस्त कलर आया है, बहुत अच्छा जायका होगा,
क्योंकि ये बहुत अच्छा कीमा बनाते हैं। अब इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। देखिए 2 से 3 चम्मच हमने दही डाल दी है इसमें, चेक करें कितना लजीज लग रहा है माशाल्लाह। लेकिन जाने मुंह में पानी आ रहा है, इसको देख रहा हूँ खुशबू आए हो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अल्लाह पाक ऐसे आप लोग के खानों में खैर बरकत अदा फरमाए, ऐसे ही खुशबू आए हैं बहुत ज़बरदस्त। ये हो गई है, अब इसमें थोड़े से अदरक डालें गार्निशिंग के लिए बेहतरीन, और ये डालेंगे थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा धनिया रख लेंगे सर्व जब करेंगे उस टाइम डालेंगे थोड़ी सारी मिर्ची माशाल्लाह। तो कीमा तो बन गया है, अब यहाँ मैं बना रही हूँ रोटियाँ। यहाँ इन लोगों ने फरमाइश करी है अफ़गानी रोटियाँ बनाने की, तो अब यहाँ मैं बना रही हूँ अफ़गानी रोटियाँ। यहाँ ये देखें मैंने रोटियाँ बना ली हैं, जल्दी वाला रायता भी मैंने देखें जल्दी वाला रायता बना लिया ग्रीन रायता। आखिरी रोटी मेरी रह गई है, तो ये मैं आखिरी रोटी जो है इसको मैं बना रही। अपना बताइएगा आप लोग, और पता नहीं हम तो ये वाली रोटियां बनाते हैं, बहुत से लोग नान भी खाते हैं तंदूर की रोटी भी खाते हैं, मगर हम इसको कहते हैं अफ़गानी रोटियां। सिंपल से रोटी बेल के बस इसको ऑयल में, ये ज़्यादा ऑयल डल गया है, इस तरह से नहीं बनती है ये। चलें अब हम खाना लगाते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं, खाना लगा के दिखाती हूँ। और यहाँ खाना रेडी है, हम लोग खाना खाते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं। फ्रेंड्स खाना खाने के बाद जो है वो हम जा रहे हैं, थोड़ा सा हमें बाहर सुबह नाश्ते के लिए सामान लेना था, तो अब हम जा रहे हैं बाहर। बरीरा रो रही है, अदन के यूनिफॉर्म लेना है और बहुत से काम है खैर बाहर, तो हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं। जा रहे हैं बाइक पे, बाइक से जा रहे हैं और अब हम वहाँ जाके फिर आपसे बात करते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि यूनिफॉर्म वाला खुला भी होगा या नहीं, तो आए देखते हैं यूनिफॉर्म वाला खुला हुआ या नहीं। यूनिफॉर्म के लिए आ गए हैं, ये शॉप देखें पीछे खुली हुई है यूनिफॉर्म की, तो अब मैं जा रही हूँ आगे और यूनिफॉर्म का जो है इनसे पता करती हूँ यूनिफॉर्म का कि यूनिफॉर्म जो है वो रेडी हो गया अदन का कि नहीं। अदन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं अपने यूनिफॉर्म के लिए, अदन बहुत एक्साइटेड हैं आप सुबह यूनिफॉर्म पहन के जाने के लिए, तो ये बहुत एक्साइटेड हैं, देखते हैं इनकी शर्ट आई है कि नहीं। अदन की स्कूल की फुल स्लीव की शर्ट ले ली है हमने, बबलू के लिए तो बनाई थी मैंने, शहजादे के लिए फुल। अच्छा मेरे साइज का आइडिया बदल गया हुआ हाथ की पे, अच्छा मैंने कहा बबलू होगा मेरा बेटा भी। बिल्कुल तब यहाँ से ये फोन तो यहाँ से उनको भी ढूंढने ही पड़ता है, वो नहीं स्लिप भी नहीं है ना कोई। यहाँ पे हमने ले लिया है अदन का यूनिफॉर्म और अब हम चल रहे हैं नाश्ता लेने। यहाँ मैं यूनिफॉर्म लेकर वापस आ गई हूँ, अब हम घर जा रहे हैं। आई होप आपका सांस मिल रही है, आई होप आपको आज का हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं हम बाद में आपसे, अल्लाह हाफिज़।